मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन ने डीजल ईंधन वाली ऑटो रिक्शा के परिचालन को बंद कर दिया। इसी विरोध में ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ द्वारा शहर के सभी ऑटो मालिक व चालकों ने एक घंटे के लिए ऑटो का परिचालन बंद कर कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर ऑटो के साथ प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर के कई चौक चौराहों पर भारी जाम देखने को मिला। शहर में चलने वाले सभी ऑटो बंद रहे, इससे बीपीएससी की परीक्षा देने आए शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। परीक्षा के समय ही सभी ऑटो मालिक व चालकों ने अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ लगातार प्रशासन के प्रस्ताव का विरोध कर रही है। मौके पर संघ के एआर अनु ने बताया कि जिला प्रशासन नए नियम बनाकर ऑटो रिक्शा चालक को और मालिकों को परेशान कर रही है। अगर प्रशासन मांगे पूरी नहीं करती है तो सभी अनिश्चितकालीन के लिए ऑटो रिक्शा बंद कर देंगे। ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ की मांग है कि उन्हें शहरी क्षेत्र में डीजल वाली ऑटो चलाने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा अगर उनके ऑटो का परिचालन रोका जाता है तो उन्हें ऑटो का मुआवजा दिया जाए। हम लोग पिछले कई सालों से अपने मांग पत्र को दे रहे हैं, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा या नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। उसके साथ साथ जो है इस तरह का कार्रवाई हो रहा है कि दिनों दिनों और नया नया कानून बना के हम लोग के गाड़ियों को परिचालन से बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तुरंत पिछले दिनों 14 तारीख को एक नया कानून परिवहन विभाग द्वारा आया कि एनएच पर गाड़ियां नहीं चलेगी। पहले उन्होंने कहा शहर में गाड़ी नहीं चलेगी, तो जब हम 40 किलोमीटर का परमिट देते हैं तो हमारी गाड़ी कहाँ चलेगी। हमारी ये जिला समाहर्ता महोदय से पूछने आए हैं कि या तो हम लोगों की गाड़ियों चलने का व्यवस्था करें, नहीं तो हम लोगों की गाड़ियों को आप ले लें, हम लोग को रोजगार दें। हमारा तो आंदोलन 12 घंटे का था, लेकिन परीक्षा को देखते हुए हम लोगों ने अपने आंदोलन को सीमित करके 2 घंटे का कर दिया है। सिर्फ 2 घंटे के बाद हमारी गाड़ियां फिर परिचालन करेंगी। साथ ही और भी जो हमारी मांग है उसके क्या कुछ कारण है। आज हम लोग अपने पूर्व से लंबित जो मांग था वो और नया तत्काल में जो आदेश बिहार सरकार के द्वारा आया है कि 30 सितंबर के बाद डीजल गाड़ियां बंद हो जाएगी, हम आज अपने जिला अधिकारी महोदय के समक्ष ये कहना चाहते हैं, ये मांग करना चाहते हैं कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए आप डीजल गाड़ियों को बंद न किया जाए। जो सीएनजी गाड़ियां हैं उसके लिए जो है शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर आप सीएनजी का व्यवस्था कीजिए, आप ई रिक्शा के लिए चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था कीजिए, आप टेम्पो को शहर में रोकने के लिए सवारी उठाने के लिए और बैठाने के लिए स्टॉप पॉइंट की व्यवस्था कीजिए, आप जो है जितने भी पड़ाव आपने आवंटन किया है टेम्पो चालकों ई रिक्शा चालकों के लिए उसके लिए जो पड़ाव आपने आवंटन किया है वो सारा पड़ाव अतिक्रमण उसको अविलंब जो है खाली करा करके उसमें टेम्पो लगाने का जो है जो आवश्यक सेवा है वो बहाल करवाइए, उसका घेराबंदी करवाइए। जो पड़ाव शुल्क देते हैं आप उसको देने के लिए हम कहीं पीछे नहीं हटते, लेकिन आप पड़ाव शुल्क ले रहे हैं पड़ाव। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज़ जेड न्यूज़ और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।